चलिए जेएचपी मॉल, बाय बाय। देखिए तो दोस्त, खेसारी लाल यादव की टीम विशाल सिंह के बिना पहुंचे मॉल से। ये लोग निकल चुके हैं, मतलब मॉल से जा चुके हैं। अभी तक विशाल सिंह नहीं पहुंचे हैं, फिर भी ये लोग निकल चुके हैं। हालांकि टाइमिंग दिया हुआ था 4 बजे मिलने का, लेकिन यहाँ पर विशाल सिंह बोले थे कि मेरा लेट हो सकता है फ्लाइट से, तो रुकना जरूर रुकना। लेकिन यहाँ पर विवेक सिंह नहीं रुके हैं और मॉल से जा चुके हैं। हालांकि अभी तक विशाल सिंह का कोई भी स्टोरी वगैरह नहीं आया, अभी तक पहुंचे बनारस या फिर नहीं पहुंचे ये भी कोई खबर वगैरह नहीं है। पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन हाँ ये बोले थे कि मेरा लेट हो सकता है, हमको आने में लेट हो सकता है। तो हो सकता है ये अभी फ्लाइट में है, इसीलिए कोई स्टोरी वगैरह नहीं लगाए हैं, और हो सकता है ये मॉल की तरफ जा ही रहे होंगे। खैर अब देखना होगा कि अब क्या होने वाला है इस इंडस्ट्री में, मतलब कि अभी तक मामला तो शांत नहीं हुआ है, दोनों तो एक दूसरे से नहीं मिले हैं। अब यहीं पर विशाल सिंह लाइव आके बोलेंगे फिर, या फिर चैलेंज करेंगे, या फिर नया लोकेशन भेजेंगे मिलने के लिए। हो सकता है इनका लेट हो गया, तो ये इनका बनारस में घर ही है, तो अब घर में रहेंगे, उसके बाद फिर से आराम से मिलेंगे विवेक सिंह से। या फिर ये भी हो सकता है कि विवेक सिंह और विशाल सिंह एक मिल के हम लोग का पागल तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये दोनों अंदर अंदर ही बात कर लिए होंगे और उसके बाद यहाँ पर मामला शांत हो गया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, विशाल सिंह जरूर स्टोरी लगा। बाकी इस मामले में आपका क्या राय है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। एंड हाँ, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी खेसारी टीम तो मऊ से निकल चुका है, तो अब तो कोई मामला नहीं रह गया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।